हेलो एवरीवन कैसे हैं सारे के सारे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑल द ब्रेव वॉरियर्स कैसे हैं सब आई एम होपिंग सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी सो विदाउट फर्दर डू वेलकम यू टू कंप्लीट चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को पूरा पूरा मक्खन तरीके से सारा समझ लेंगे विद ऑल दी आर हेडिंग्स क्या क्या एनसीआरटी ने उस टॉपिक में समझाया है सारी चीज हम यहां पे देखते हैं तो पूर पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे हम देखने वाले हैं जब हम सबसे पहले इस चैप्टर को देखते हैं तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीजों को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना अब अगर हम इस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक चीज बहुत जरूरी है कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्लांट्स में कोई डेडिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता अगर आप बात करते हैं एक प्लांट की तो रूट है ऑर्गन है स्टेम है ऑर्गन है लीफ है ऑर्गन है लेकिन जब इन सबको एक साथ लेके आओगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं आ रहा सीधा ऑर्गेनिज्म लेवल आ जाता है ऑर्गन सिस्टम तब कहते हैं जब पहले वहां पे ऑर्गन्स का एक सिस्टम बने लेकिन वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर ना दिखाए ह्यूमंस में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम एक साथ आते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है तो प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट है लेकिन कैसे विद हेल्प ऑफ टिश्यूज लाइक जाइलम एंड प्लांट में आपके पास टिश्यूज पाई जाती हैं फिर अगर हम प्लांट की ही बात कर रहे हैं हमारा फोकस इसी पे है तो कभी भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होगा शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो एनसीआरटी ने बताया कि शॉर्ट डिस्टेंस के कुछ मीन्स हैं और शॉर्ट डिस्टेंस में उन मीन्स को फॉलो करके कुछ पाथवेज हैं जब हम मीन्स की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई उसे आप सिंपल डिफ्यूजन बोलो उसे आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलो या आप उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं पाथवेज की बात करेंगे तो वो मूवमेंट नॉन लिविंग एरिया से होगा तो एपोप्लास कहलाएगा वो मूवमेंट लिविंग एरिया से होगा तो वो सारा का सारा मूवमेंट सिंप्लास कहलाएगा लॉन्ग डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस को ही एनसीआरटी ने बोला ट्रांसलोकेशन इसी को एनसीआरटी ने बोला बल्क मूवमेंट अब जितना भी आपका शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है यह खाने का भी हो सकता है पानी का भी हो सकता है जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस या बल्क मूवमेंट है यह खाने का भी हो सकता है यह पानी का भी हो सकता है तो शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस या ट्रांसलोकेशन या बल्क मूवमेंट किसी का भी हो सकता है वाटर का भी होगा फूड का भी होगा लॉन्ग डिस्टेंस वाटर का भी होगा फूड का भी होगा तो होता क्या है पानी पहले क्या करेगा सॉइल से उसे रूट के जाइलम तक आना है ऐसे ही खाने को मीजोफिल से फ्लोएम तक जाना है तो इन वैस्कुलर टिश्यू तक पहुंचना इज नोन है शॉर्ट डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की तो अब मेरा पानी तो रूट के जाइलम से स्टेम और स्टेम से लीफ में जाएगा फूड सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम ऑफ मीजोफिल से स्टेम और फिर रूट तक आएगा तो बेसिकली जब हम लॉन्ग डिस्टेंस को देखते हैं तो इसमें हमारी टिश्यूज का रोल आता है शॉर्ट डिस्टेंस में चीजें ज़ाइलम तक फ्लोएम तक पहुंचती हैं लॉन्ग डिस्टेंस में ज़ाइलम से और फ्लोएम से अपने डेस्टिनेशंस पर जाती हैं तो इस तरीके से ये सारा चैप्टर एनसीआरटी ने डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले चीज हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चीजें कैसे कैसे जाएंगी तो मुझे पता है दैट द प्लाज्मा मेंब्रेन इज अलिपिट बाय लेर प्लाज्मा मेंब्रेन इज अलिपिड बाय लेयर अब हो सकता है मेंब्रेन के इस प्लाज्मा मेंब्रेन के एक तरफ ये कोई मॉलिक्यूल है जिसकी कंसेंट्रेशन बहुत हाई है कोई भी नेचर ऑफ पार्टिकल बहुत हाई कंसेंट्रेशन में हो सकता है यह कोई नॉन पोलर पार्टिकल हो या कह लो कि यह हाइड्रोफोबिक है अनचार्ज्ड है तो ऐसी चीज मेम्ब्रेन के एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मेम्ब्रेन के दूसरी साइड लो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर होती तो ये खुद ब खुद इधर ट्रैवल कर जाएंगे तो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अनचार्ज्ड चीजें लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन को ये सारा का सारा हमारा लिपिड बाय लेयर की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेंब्रेन है उसे अपने आप क्रॉस कर सकता है तो इस मूवमेंट को कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन अगर कोई चीज मेंब्रेन को खुद से क्रॉस करती है हाई टू लो आती है तो इसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन वहीं पे एक और पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन के इस साइड है हाई कॉन्सेंट्रेशन में है उसने देखा इसको कि ये तो खुद जा रहा है मैं भी ट्राई करता हूं जाने का जा नहीं पा रहा क्यों क्योंकि हो सकता है कि ये पोलर है इसे पानी पसंद है हाइड्रोफिलिक या इसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है तो ये चार्ज नेचर का है मेमब्रेन के पास गया इसने कहा मुझे पास करने मेमब्रेन कहती है चल निकाल इधर से यह कह रहे यार इसको तो जाने दे रहे हैं तो मेमब्रेन ने बोला कि हां वो हाइड्रोफोबिक है लिपिड सोल्यूबल नेचर है हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर कोई चीज पानी से डरेगा तो उसे लिपिड से प्यार होगा तो लिपिड सोल्यूबल है यह नॉन लिपिड सोल्यूबल चीज है तो मेमब्रेन ने कहा देखो अंदर सारी जो टेल्स होती हैं वो लिपिड्स की हैं वो तुम्हें पास नहीं होने देंगी उन्होंने कहा कोई बात नहीं रो मत बैठ के रोने की जरूरत नहीं है भाई तुम्हें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है ठीक है ना तुम्हें उड़ना आता ना तुम्हें स्विमिंग आती कोई बात नहीं वहां पे एक ब्रिज बन जाएगा फिर तुम उससे पास कर सकते हो उस एरिया को तो यहीं पे ब्रिज वाले काम कौन कर रहे हैं हमारे वी हैव कैरियर या फिर दे देड बी चैनल्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहते हैं कैरियर कैरियर एक तरफ से चीज को जोड़ते हैं रोटेट करते हैं दूसरी तरफ रिलीज कर देते हैं और चैनल्स ओपनिंग बना के रखते हैं चीज इनके थ्रू पास कर सकती है जैसे कि किसी टनल के थ्रू आप निकल जाते हो तो इसको आप चैनल भी बोल सकते हो तो ये अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर आ सकते हैं हाई टू लो लेकिन ये मदद से आ रहे हैं ये जो कैरियर या चैनल होगा ये इसकी मदद से आ रही है जब चीजें किसी के मदद से आती हैं हाई टू लो आ रही है तो डिफ्यूजन तो है मदद से आ रही है तो इसे कहा जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थिंग्स आर मूविंग स्टिल हाई टू लो विद दी हेल्प ऑफ अ प्रोटीन ये प्रोटीन कैरियर हो सकता है चीज को जोड़ के घूम के निकालता है और चैनल टनल जैसे होते हैं ओपनिंग होती है चीज उसे डायरेक्ट पास हो सकती है तो चैनल के एनसीआरटी ने एग्जांपल पोरेंस भी दिए हुए हैं वहीं पर कोई तीसरा मॉलिक्यूल है ये इसका नेचर हमें बॉदर नहीं कर रहा यह इस तरफ बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और यहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है अब हम चाहते हैं ये लो टू हाई चला जाए लो से हाई पे भेजना है तो ये भी अपने आप नहीं होता इसके लिए भी मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन लगा होता है ये जो स्पेशल प्रोटीन है दीज आर स्पेसिफिकली रेफर्ड एज पंप इसको लो टू हाई लेके जा सकता है लेकिन कहता है फ्री में काम नहीं करूंगा एनर्जी लूंगा तो जब चीजें लो टू हाई जाए एनर्जी लगे तो इसको कह देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहां पे चीजें लो टू हाई जा रही है तो इसे कहते हैं अपहिल मूवमेंट इसमें एनर्जी खर्च हो रही है सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती तो इनको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट इनमें एनर्जी खर्च नहीं होती चीजें हाई से लो अपने आप आती हैं तो डाउनहिल है एक में बिना प्रोटीन के एक में प्रोटीन से तो जहां प्रोटीन की मदद से हुआ मदद मतलब फैसिलिटेट कराना जहां खुद हो गया वो है हमारा सिंपल डिफ्यूजन एनसीआरटी ने कहा कि जब आप डिफ्यूजन की बात करते हैं तो पार्टिकल का साइज कैसा है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसी है टेम्परेचर कैसा है प्रेशर कैसा है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी है ये सब डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल कितने आसानी से कितनी मुश्किल से जाएगा ठीक फिर एनसीआरटी ने एक लाइन लिखी है कि डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन लिक्विज एंड गैसेस उनमें डिफ्यूजन होगी ही होगी लेकिन डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एक ये लाइन सी लिखी हुई है एनसीआरटी में तो इसको सिंपली ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक बीकर है बीकर को भर दो पूरा पानी से बीकर को अच्छे से तुमने भर दिया पानी से ठीक है तुमने पानी से भर दिया तुमने कुछ रेड इंक की ड्रॉप्स इसमें गिराई तो जब रेड इंक की ड्रॉप गिराओगे तो यह पानी थोड़ी देर बाद ऐसे रेड होने लग जाएगा द वॉटर विल स्टार्ट टर्निंग रेड तो लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन हो रहा है नॉर्मल चीज है क्या वो नहीं बात है इसमें तो पानी का ग्लास लो उसमें रेड इंक की ड्रॉप्स गिरा दो पानी रेडिश पिंकिश होने लग जाएगा बट एन ने क्या कहा अगर मैं इसके अंदर एक शुगर क्यूब रख दू अगर हमने एक शुगर की क्यूब रख दी तो थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या ही मिल जाएगा ये इसमें डिफ्यूज नहीं होगी ये डिफ्यूज नहीं हो सकती बल्कि क्या होगा शुगर के पार्टिकल्स टूट के डिजोल्व के नीचे रह जाएंगे बट ये अपने आप डिफ्यूज नहीं होंगे सुनो मम्मी को हो रहा है सरदर्द मम्मी ने बोला बेटा दो मेरे को नींबू पानी तुमने कहा ठीक है कैसे बनता है मम्मी बता दो मम्मी ने कहा ठीक है ग्लास ले तुमने ग्लास लिया मम्मी ने कहा उसमें चीनी डाल तुमने चीनी डाल दी मम्मी ने कहा पानी डाल दो तुमने पानी डाल मम्मी तुमने दिया मम्मी ने कहा नींबू छोड़ दो तुमने नींबू छोड़ दिया मम्मी ने आगे कुछ बोला नहीं तुम वही ग्लास लेके गए मम्मी के पास मम्मी ने पिया मम्मी ने कहा ये क्या बना के दिया है सारा खट्टा है चीनी नहीं डाली थी क्या तुम बोलो कि डाली थी चीनी तो लेकिन तुमने चीनी डालने के बाद उसको मिक्स नहीं किया ना किया या नहीं किया नहीं किया नींबू की जो ड्रॉप है वो लिक्विड है पानी लिक्विड है वो तो अपने आप डिफ्यूजन हो गया पानी खट्टा हो गया लेकिन चीनी को तुमने घोला नहीं अच्छे से चीनी घोली नहीं तो चीनी तो नीचे पड़ी हुई ना डिफ्यूज नहीं हुई तो एनसीआरटी ने कहा है सॉलिड का डिफ्यूजन कॉमन फीचर नहीं है वहीं पर अगर मैं इस शुगर क्यूब के ऊपर कुछ रेड ड्रॉप्स गिरा दूं तो मुझे क्या दिखेगा थोड़ी देर बाद यह शुगर क्यूब का रंग पिंकिश होने लग जाएगा द सॉलिड इन डिफ्यूजन सॉरी डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूजन एक बार को फिर भी हो सकता है सॉलिड का डिफ्यूजन अपने आप नहीं हो सकता लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन बड़े आराम से हो सकता है हवा में मोमबत्ती अगरबत्ती जला के छोड़ दो वो पूरे रूम में खुशबू फैला देगा तो गैसेस और लिक्विड्स में डिफ्यूजन ऑब्वियस है सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता अंटे अनलेस तुम इसको घोलो लो चीनी ऊपर अपने आप डिफ्यूज होके नहीं आ सकती फिर जैसा हमने कहा एनसीआरटी ने क्या कहा एन ने बोला दैट देर आर स्पेशल चैनल्स अब एनसीआर ने दो बातें कही हैं चैनल्स ओपन या क्लोज हो सकते हैं कहने का क्या मतलब है जैसे टनल्स होते हैं कई टनल है उससे तुम कभी भी जा सकते हो कई टनल्स बैरिकेडेड होते हैं वो जरूरत पड़ने पर ही खोले जाएंगे तो सेम चीज यहां पर है कि कुछ चैनल्स जो होते हैं कुछ टनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमेशा खुले हुए हैं कभी भी उनके थ्रू चले जाओ चौबीस घंटे का पाथवे है और कुछ चैनल प्रोटीन्स एनसीआरटी ने कहा कि वो कंट्रोल्ड है कुड बी कंट्रोल्ड तो बाय डिफॉल्ट क्लोज रहेंगे पीएच का चेंज सेंस करेंगे कोई आपका प्लस या माइनस आयन को सेंस करेंगे तब वो खुलते हैं फिर चैनल में ही एनसीआरटी ने कहा पोरेंस मिलते हैं पोरेंस एनसीआरटी ने कहा बहुत अच्छे से आपको मिलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बैक्टीरिया लिखा एनसीआरटी ने सम बैक्टीरिया तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन में पोरस है एनसीआरटी ने कहा कि पानी जिस पोरन से आता है उसे कहते हैं एक्वापोरन आठ टाइप के एक्वापोरिन एक साथ जुड़ के वॉटर चैनल बना के रहते हैं तो कभी हम मेम्ब्रेन को देखें तो मेम्ब्रेन में एक एक्वापोरिन फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छह फिर सात फिर आठ आठ एक्वापोरिन जुड़ के रहते हैं और वो फिर एक साथ कहलाता है एक वाटर चैनल इसके अलावा एनसीआरटी ने क्या बताया कि अगर कोई कैरियर सिंगल डायरेक्शन में एक ही मॉलिक्यूल को लेकर जाए तो यूनिपोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाए तो एंटीपोर्ट सेम डायरेक्शन में वो दो मॉलिक्यूल्स को लेकर जाए तो सिम पोर्ट तो यूनी एंटी और सिम एनसीआरटी ने लिखा है कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बट यही सारी चीजें दे आर ऑल्सो फाउंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप तुमने पढ़ा है तो क्योंकि एनर्जी यूज करता है तो एक्टिव है और सोडियम और पोटेशियम को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाया जाता है तो वो एक एंटीपोर्ट भी है क्योंकि इन दो कंडीशंस में एक्टिव में और फैसिलिटेटेड में प्रोटीन आ रहे हैं तो ये स्पेसिफिक नेचर दिखाएंगे कोई भी मॉलिक्यूल किसी से भी नहीं जाएगा आयरन का ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए अलग लगा होगा कैल्शियम के लिए अलग प्रोटॉन के लिए अलग तो यहां पे स्पेसिफिक नेचर देखा जाता है मेमब्रेन में 10 प्रोटीन है तो मैक्सिमम 10 मॉलिक्यूल ही जाएंगे तो सैचुरेशन आ सकता है प्रोटीन्स को खराब कर दो मूवमेंट रुक जाएगी तो इनहेबिटर्स के लिए सेंसिटिव है ये सारी चीजें यहां पे नहीं है तो एनसीआरटी ने ये कंपैरिजन दिया है हमें बहुत अच्छे से स्पेशल प्रोटीन सिंपल को नहीं चाहिए इन दोनों को चाहिए सेलेक्टिव नेचर जहां प्रोटीन होगा वहीं सेलेक्टिव नेचर आएगा तो इसके पास नहीं है इन दोनों के पास है सैचुरेशन सैचुरेशन का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट अचीव करना मान लो एक 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 ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड उसमें तुम्हारे फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा फेवरेट सिंगर है फ्री ऑफ कॉस्ट अब अगर उस ग्राउंड में चार गेट हैं बस तो मैक्सिमम चार ही लोग हर यूनिट टाइम पे अंदर घुस सकते हैं अगर वहां पे सौ गेट्स हैं उस ग्राउंड के बहुत बड़ा ग्राउंड है सौ गेट हैं उसके अब मैक्सिमम सौ लोग सेम टाइम पे अंदर आ सकते हैं उसमें तुमने गाड़ी चलानी शुरू करी तुमने देखा स्टार्टिंग के गे बीस गेट हैं बहुत भीड़ है तुमको लगा यार सैड मुझे वापस जाना पड़ेगा तुम आगे बढ़ते गए आते तुमने देखा बाकी के गेट यूज में है ही नहीं लोग घुस ही नहीं रहे उससे पता नहीं क्यों नहीं घुस रहे तो इसका मतलब अगर कुछ गेट्स हैं जो बचे हुए हैं जो यूज में नहीं है मतलब अभी तक सैचुरेशन नहीं आया अभी तक मैक्सिमम लेवल अचीव नहीं हुआ तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव क्योंकि प्रोटीन से चलते हैं तो उनमें जितने प्रोटीन है जब सारे यूज होने लग जाएंगे तब आप बोलोगे कि इससे अब मैक्सिमम लिमिट भी ऊपर नहीं जाया जा सकता इसमें कोई सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है सिंपल डिफ्यूजन को बिल्कुल ऐसा समझो कि एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें कोई दीवार दरवाजे है ही नहीं इट इज जस्ट सड़क है सड़क के साथ में बस ग्राउंड चल रहा है वो बहुत बड़ा गाड़ी लगाई उतर गए सीधा ग्राउंड कुछ है ही नहीं वहां पे तो गेट वेट आते जाओ आते जाओ आते जाओ कोई चक्कर ही नहीं है वहां पे तो अपहिल अगेंस्ट द ग्रेडियंट कौन है सिर्फ ये बाकी दोनों डाउनहिल मूवमेंट हैं अपने आप हाई टू लो चीजें जाती हैं एटीपी खाली अपहिल के चाहिए तो इसलिए सिर्फ इसी के पास है भाई नॉर्मल सी चीज है जाना कभी पहाड़ों पे घूमने और पहाड़ों पे खरीदना साइकिल अब साइकिल को जब ऊपर को लेके जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी तो अपहिल मतलब लो से हाई मेहनत लगती है एनर्जी जाती है लेकिन अगर यहां पे फिर ऐसे है ये पहाड़ नीचे की तरफ तो तुम यहां तक अपनी साइकिल लेके पहुंचे अब जब तुम ऊपर से नीचे आओगे हाई टू लो जाओगे तो यह है मूवमेंट ऊपर से नीचे जाने में तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पैडल तक भी नहीं मारना है बस बैठे रहो ब्रेक लगा लेना कहीं ठू जाओ कहीं पहाड़ पे गिर जाओ खाई में इतना ध्यान रख लेना तो जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो अप हिल ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउन हिल तो लो से हाई इज अप हिल एनर्जी जाएगी हाई टू तो लो डाउन हिल अपने आप चीजें हो जाएंगी प्रोटीन की मदद से फैसिलिटेटेड बिना प्रोटीन के सिंपल डिफ्यूजन बिना एनर्जी के है, तो पैसिव फिर एनसीआरटी ने समझाया प्लांट वाटर रिलेशन तो यहां पे वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल ये सारी चीजें आती हैं इसमें मैंने देखा बड़ा कंफ्यूजन होता है तुम्हें वापस से एक बीकर लेता हूं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह बना दिया मैंने पानी कुछ नहीं है इसमें और सिर्फ प्योर वॉटर का बीकर है मेरा पेंसिया तो ने क्या कहा अगर प्योर वॉटर है ठीक है नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है उस पर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मतलब ना तो तुमने टेम्परेचर से छेड़खानी करी है ना प्रेशर से जो रूम का टेम्परेचर है वो और जो एटमोसफेयर का प्रेशर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एस टीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो एनसीआरटी ने कहा ऐसे प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम बोलते हैं कि जीरो है और इसको साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई यही मैक्सिमम वैल्यू है तुम चाहे 100 लीटर प्योर वाटर ले लो चाहे एक एम प्योर वाटर ले लो उसका डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल आपका जीरो ही माना जाएगा तो वाटर पोटेंशियल एनसीआरडी ने क्या कहा पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू डू वर्क टू डू वर्क यू नीड एनर्जी तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया पानी किसी सिस्टम में पानी की फ्री एनर्जी इट इज दी फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम सीधा फंडा है जितना ज्यादा फ्री वॉटर पार्टिकल उतना ज्यादा वॉटर पोटेंशियल अब मैक्सिमम फ्री वॉटर किसके पास होगा प्योर वॉटर के पास होगा ना तो उसका वॉटर पोटेंशियल जीरो को लेके चलते हैं मैक्सिमम ठीक है भाई पानी है पानी फुल एनर्जी के साथ बैठा हुआ है कि सॉल्यूट आएगा मैं बॉन्ड बनाऊंगा सॉल्यूट आएगा मैं बॉन्ड बनाऊंगा बॉन्ड बनाने में एनर्जी जाएगी ना किसकी एनर्जी है वो पानी की एनर्जी है चली जाएगी वो एनर्जी बना लेगा बॉन्ड बैठ जाएगा भाई मेरी एनर्जी खत्म हो गई अब तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता तो अगर उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी खत्म हो जाएगी ना तुम्हारे पास सोलह सोल्जर्स हैं फाइट करने के लिए सब एकदम एक्साइटेड है ये मारेंगे पिटाई करेंगे जीत जाएंगे अब एक सोल्जर को गोली लग गई मरा नहीं गोली लग गई बस वो कह रहा मैं नहीं लड़ रहा मैं बैठ गया दूसरे को भी गोली लग गई वो भी बैठ गया तीसरे को गोली लग गई वो भी बैठ गया तो अब जैसे जैसे वो बैठते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है तुम्हारी ओवरऑल जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है ना सोलह लोग लड़ते तो जीतने के चांसेस थे चार लोग ढेर हो चुके हैं बारह लोग बचे हैं तो वो उतने ही इंटेंसिटी से फाइट नहीं कर पाएंगे तो सेम चीज यहां पर है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ प्योर वाटर पार्टिकल्स हैं तो जितने ज्यादा फ्री वाटर पार्टिकल उतना ज्यादा वाटर की एनर्जी उतना ज्यादा वाटर का पोटेंशियल तो ये प्योर वाटर में जीरो है जीरो को ही बाय कन्वेंशन मैक्सिमम माना गया है ठीक है अब तुमने क्या किया तुमने धीरे धीरे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह मैंने कहा था ये हैं सारे मेरे वाटर पानी है अब तुमने इनमें सॉल्यूट मिक्स करना शुरू किया सॉल्यूट क्या करेगा पानी के साथ जाके जुड़ जाएगा तुमने सॉल्यूट डाला जुड़ गया सॉल्यूट डाला जोड़ा सॉल्यूट डाला जोड़ा सॉल्यूट डाला जुड़ गया क्या किया है तुमने ये सॉल्यूट डाले हैं अब खुद से मुझे बताओ कि अगर अब इस बीकर में पानी के साथ सॉल्यूट है तो ये क्या है प्योर वाटर है क्या ये करेक्ट अब मुझे पता है ये हो चुका है मेरा एक सोल्यूशन पहली बात प्योर वाटर रहा नहीं अब तुमने क्या किया है तुमने सॉल्यूट ऐड किया है ना तुमने सॉल्यूट ऐड किया ना सॉल्यूट ऐड करने के बताओ फ्री वाटर पार्टिकल्स बढ़े या कम हुए हैं यहां पे मैंने 16 वाटर मॉलिक्यूल बनाए थे यहां पे चार सॉल्यूट डाल दिए गए हैं तो फ्री वाटर पार्टिकल तुम्हें बढ़ता हुआ दिख रहा है या कम होता हुआ दिख रहा है ऑब्वियसली एडिशन ऑफ सॉल्यूट से क्या हुआ डिक्रीज इन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनसीआरटी का डिक्रीज इन फ्री वाटर पार्टिकल जो फ्री वाटर पार्टिकल हैं वो डिक्रीज हो चुके हैं पहले सिक्सटीन बारह ही रह गए हैं अब अगर फ्री वाटर पार्टिकल मेरे कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है अगर फ्री वाटर पार्टिकल कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है देयर विल बी डिक्रीज इन ईडबल्यू आपका वाटर पोटेंशियल भी कम होता जा रहा है कैसे सॉल्यूट ऐड करने से क्यों कम हुआ फ्री पानी कम हो गया फ्री पानी कम होना मतलब पानी की एनर्जी कम होती जा रही है तो इसलिए वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है एनसीआरटी ने क्या कहा कि सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल में जो कमी आ रही है इसको एक नया नाम दे दिया क्या सॉल्यूट पोटेंशियल इसी को एनसीआरटी ने सॉल्यूट पोटेंशियल बोल दिया इसी को एनसीआरटी ने ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल दिया द डिक्रीज इन वॉटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल तुम कह रहे हो सर हमें तो नहीं रहा समझ में तो तुम देखो तुम कैसे याद करोगे ये ट्रिक अभी तक सिर्फ मेरी क्लासरूम के बच्चों को बता दी आज तुम्हारे पास आ रही है सामने तुम बहुत सिंपल चीज मन में बैठाना क्या बैठाना है तुम्हें एनसीआरटी की तो डेफिनेशन है वो तो ट्रू एंड फॉल्स में आएगी ही आएगी तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल दैट डिक्रीज इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो से वो माइनस फोर पे आ गया जीरो मैक्सिमम था तुमने चार सॉल्यूट डाले तो तुमने बोल दिया वाटर पोटेंशियल माइनस फोर हो चुका है जीरो के रिस्पेक्ट में चार कम तो माइनस फोर तो यही माइनस फोर की जो गिरावट आई है इसी को सॉल्यूट पोटेंशियल बोल देंगे तुम कैसे याद रखोगे वॉट इज सॉल्यूट पोटेंशियल तो बहुत सिंपली तुम याद रखना इसको सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे बड़े आसानी से वाटर पोटेंशियल क्या है वाटर पोटेंशियल क्या है वाटर का पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल अब हमने क्या कहा सॉल्यूट जोड़ता है फ्री वाटर से तो अगर फ्री वाटर ज्यादा होगा मोर फ्री वाटर मतलब क्या है मोर सॉल्यूट पोटेंशियल जितना ज्यादा फ्री पानी उतना ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल कहोगे तुम जितना ज्यादा फ्री पानी उतना ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल होगा जितना कम पानी उतना सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो इसका डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा क्यों प्योर वाटर जीरो पे था तुमने कुछ ऐड किया क्या सॉल्यूशन सॉरी सॉल्यूट तुमने उसको ऐड किया है सॉल्यूट ऐड करने के बाद मैंने कहा वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है जीरो से चीज डिक्रीज होगी तो प्लस में जाएगी या माइनस में माइनस में जाएगी अब मैंने क्या कहा एस भी कहां चला जाएगा नेगेटिव में क्यों गया नेगेटिव में क्योंकि अगर मेरे पास सारे वाटर पार्टिकल फ्री थे अगर मेरे सारे वाटर पार्टिकल फ्री थे तो मैं ये कहूंगा कि मेरा वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है विच जीरो और मैं कहूंगा मेरा सॉल्यूट पोटेंशियल भी मैक्सिमम है विच जीरो अभी मेरा सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल क्या है मैक्सिमम है जब मैंने चार सॉल्यूट डाल दिए तो मेरा सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल चार से कम हो गया है तो जो जीरो था वो मैक्सिमम था वही वाटर पोटेंशियल जीरो मैक्सिमम है सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल गिर गया चार से तो मैं कहूंगा सॉल्यूट पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ है तो एक सॉल्यूशन के लिए फॉर अ डब्ल्यू एंड एन एस बोथ आर नेगेटिव तुम जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाओगे सॉल्यूट इज एडेड और ये तुमने देख लिया सॉल्यूट ऐड करने से फ्री वाटर क्या होता है डिक्रीजेस अगर फ्री वाटर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि साइडब्ल्यू भी डिक्रीज होगा वाटर का पोटेंशियल कम होगा और मैंने कहा फ्री वाटर कम होता जा रहा है इसका मतलब क्या है तुम कम सॉल्यूट ले पाओगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम होता जा रहा है तो सॉल्यूट बढ़ता है सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल वो कम होता जा रहा है सॉल्यूट ऐड करते जाओ वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में जाता जाएगा हमने कहा वाटर पोटेंशियल जितना नेगेटिव में जा रहा है उतना ही तुम बोलोगे कि तुम्हारा सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव में जा रहा है यह बनाया मैंने बीकर बीकर में डाल देता हूं मैं वही एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अगर इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी ऐड किया नहीं है साइड डब्ल्यू जीरो है मेरा ईडब्ल्यू के अंदर कोई नेगेटिव नेचर नहीं है तो साइस को भी मैं जीरो मान के चलूंगा अगर इसी सेम कंडीशन के अंदर मैं सॉल्यूट ऐड करना स्टार्ट कर दूं एक दो तीन चार सॉल्यूट ऐड किया है फ्री वाटर कम हो गया तो अब मैं बोल दूंगा कि मेरा साई डब्ल्यू आ गया माइनस फोर पे जीरो के रेस्पेक्ट में चार कम हो चुके हैं सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल भी मेरा चार से कम हुआ ना पहले सिक्सटीन सॉल्यूट आते हैं अब खाली इसमें ट्वेल्व सॉल्यूट आएंगे यही कंडीशन में और आगे अगर इसको लेके जाऊं चार सॉल्यूट ऑलरेडी आ चुके थे चार सॉल्यूट मैंने और डाल दिए तो अब क्या होगा जीरो के रिस्पेक्ट में वो माइनस एट पे जा चुका है और एस भी क्या कहलाएगा मेरा माइनस एट पहले मैं सिक्सटीन ले सकता था सॉल्यूट अब सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल भी आठ से कम हुआ है तो माइनस एट मैक्सिमम वैल्यू याद रखना यहाँ पे जीरो से चलती है मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज जीरो तो उससे कम होता जा रहा है तो नेगेटिव में जाता जा रहा है माइनस में जाता जा रहा है तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है अगर तुम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ छेड़खानी नहीं करोगे तो साई डब्ल्यू हमेशा साई एस के इक्वल चलेगा इनकी जो यूनिट्स हैं ट इज बार और पास्कल ठीक है सॉल्यूट डालते जा रहे हो फ्री वाटर कम होता जा रहा है वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है वाटर पोटेंशियल के जितना नेगेटिव नेचर होगा उसी क्वेंसीआर ने बोल दिया था सॉल्यूट पोटेंशियल लोअरिंग ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल में सॉल्यूट डालने की वजह से जो गिरावट आएगी उसी एग्जैक्ट गिरावट को आप बोल दोगे सॉल्यूट पोटेंशियल तो चार फ्री वाटर पार्टिकल कम हो गए तो सॉल्यूट पोटेंशियल को भी बोल दिया माइनस चार वाटर पोटेंशियल माइनस एट है तो मैंने बोल दिया सॉल्यूट पोटेंशियल भी माइनस एट तो जितना सॉल्यूट डालते जाओगे सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल गिरता जाएगा तो नॉर्मल कंडीशन में डब्ल्यू और एस हमेशा सेम चलते हैं अब मजेदार चीज क्या मजेदार चीज मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है इसमें भरी हुई है तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो कोई बात नहीं जूस पीते हो कोल्ड ड्रिंक जूस जो लेना है ले लो भरा हुआ है तुमने क्या किया तुमने इसके अंदर डाला स्ट्रॉ अब स्ट्रॉ डालने के बाद क्योंकि पानी कैपलरी एक्शन दिखाता है तो थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाएगा इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ट्यूब में ऊपर आ गया अब अपने आप तुम इसको देखते रहोगे तो पानी फवरे की तरह बाहर तो नहीं निकलेगा ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम इस स्ट्रॉ से सक्शन करोगे तुम स्ट्रॉ पे मुंह लगाओगे और वहां से एयर को खींचोगे सक्शन मतलब क्या है यू विल पुल और जब भी कहीं पे पुल आता है तो पुल क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर किसी चीज को खींचा जाता है तो वो एक नेगेटिव फोर्स है फोर्स नेगेटिव है तो उससे प्रेशर नेगेटिव हो जाता है वहीं पर तुम्हारे पास एक नल है नल से जुड़ा हुआ है एक पाइप तुमने जैसे ही नल को ऑन किया तुमने टैप घुमाया अब अंदर क्या होगा सारा का सारा जो पानी है वो सारा पानी धक्के से बाहर आ रहा है सारा का सारा पानी पुशिंग फोर्स से बाहर आ रहा है वॉटर इज नाउ बींग पुश्ड आउट जब भी चीजें पुश होती हैं तो पॉजिटिव फोर्स लगती है तो प्रेशर भी हो जाता है पॉजिटिव तो एनसीआरटी ने समझाया है कि प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव प्रेशर जब चीजें खींची जाए पॉजिटिव प्रेशर जब चीजें धक्के से बाहर आती जाए तो यह ध्यान रखना पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर प्लांट में यही नेगेटिव प्रेशर ट्रांसपेरेशन के पुल से आती है और यही पॉजिटिव प्रेशर प्लांट में आपको दिखता है टर्गर प्रेशर के टाइम पे एंडो ऑस्मोसिस के टाइम पर जब पानी सेल के अंदर जाता है तो ये दोनों चीज प्लांट्स में भी नजर आती हैं और भी पोटेंशियल्स हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैट्रिक पोटेंशियल और भी बहुत चीजें चीजें हैं हैं बट एनसीईआरटी ने दो बताई दैट डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डू एस प्लस पी सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल उसको जोड़ के आंसर आता है साई डब्ल्यू एक सेल की जब आप बात करते हो तो सेल में सॉल्यूट भी है तो वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट की वजह से गिरेगा अगर प्रेशर ज्यादा है तो पॉजिटिव प्रेशर लगेगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ सकता है अगर प्रेशर नेगेटिव में जाएगा तो वाटर पोटेंशियल घट भी सकता है तो साई बिकम इक्वल टू साई एस प्लस पी अगर वो सेल किसी प्रेशर पे नहीं है तो पी जीरो हो जाएगा डब्ल्यू विल ऑटोमेटिकली बिकम एस अगर प्योर वाटर है एस जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू विल बी डायरेक्टली इक्वल टू पी एनसीआरटी ने कहा है कि मान लो तुम्हारे पास प्योर वाटर है अगर तुम प्योर वाटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो प्योर वाटर को पॉजिटिव प्रेशर तुम दे रहे हो तो इसका साइड डब्ल्यू मोर देन जीरो जाने लगेगा अगर तुम किसी सॉल्यूशन को ज्यादा प्रेशर देते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर तो वैल्यू नेगेटिव से टुवर्ड पॉजिटिव आने लग सकती है एनसीआरटी तो ने फिर हमें कॉन्सेप्ट दे दिया प्लाज्मोलाइसिस का सॉरी ऑस्मोसिस का ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो क्या होता है यह हमारा स्पेशल डिफ्यूजन है किसका ऑफ वॉटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेंब्रेन इसी को एनसीआरटी ने बोला है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट को जरूरत है तो जाने देगा जरूरत नहीं है तो रोक देगा यही सेम चीज आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकती है सेमी परमिएबल तब बोलते हैं जब वो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे सॉल्यूट को कभी नहीं जाने देता तो एनसीआरटी ने कहा उसको कहते हैं डिफ्यूजन सेल का साइटोप्लाजम और जो वैक्यूल के अंदर सैप है ये दोनों डिसाइड करेंगे सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा है मान लेते हैं मेरे पास कोई चेंबर है मैंने उसे डिवाइड कर दिया ए और बी के अंदर इस बीकर के अंदर जो भी फ्री स्पेस है ऑल द फ्री स्पेस इज वॉटर एंड ऑल द डॉट्स आर सॉल्यूट ठीक है फ्री स्पेस वॉटर है और बाकी सारा आपका सॉल्यूट है अब हमें क्या दिख रहा है कम सॉल्यूट किसके पास है सॉल्यूट तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है ए के पास कम है बी के पास ज्यादा है ये जो सेपरेटिंग लेयर है इट कुड बी अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट कुड अ सेलेक्टिवली पर्मिएबल मेम्ब्रेन लेस सॉल्यूट मोर सॉल्यूट हमने क्या कहा जहां भी सॉल्यूट कम है वहां फ्री वाटर ज्यादा इट विल हैव मोर फ्री वाटर इट विल हैव लेस फ्री वाटर तो अब ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इसका डब्ल्यू ज्यादा होगा इसका साई एस ज्यादा होगा यहां साई डब्ल्यू भी कम होगा यहां एस भी कम है सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल भी कम है वाटर भी कम है फ्री वाटर ज्यादा सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल ज्यादा तो नेट वाटर मूव कहां से कहां करेगा ए टू बी और अगर पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो इसी को आप बोल दोगे ऑस्मोसिस तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई वाटर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हाई सॉल्यूट पोटेंशियल टू लो सॉल्यूट पोटेंशियल इज नोन एज ऑस्मोसिस अब एनसीआरटी ने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें ये वाला तो ये सेम क्वेश्चन पैटर्न है जो हमने ड्रॉ किया है ए वाले में साईडब्यू ज्यादा है बी वाले का सायडब्ल्यू कम है क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज्यादा दिख रहा है ठीक है किस चेंबर का लो वाटर पोटेंशियल है तो बी किसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है तो भी बी कौन कम सॉल्यूट ले सकता है मैंने कहा था सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट लेने का पोटेंशियल है ना कि सॉल्यूट का नंबर सॉल्यूट का नंबर ज्यादा होता जाएगा तो कम सॉल्यूट ले पाएगा ना वॉलीसाइट का सिस्टम तो लो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगी ए से बी ज्यादा सॉल्यूट कौन ले सकता है ए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा सेम फिर एनसीआरटी ने कहा एक चेंबर माइनस टू थाउजेंड पे है दूसरा माइनस वन थाउजेंड पे तो हाई साइड डब्ल्यू किसका होगा तो ऑब्वियसली माइनस वन थाउजेंड का माइनस वन थाउजेंड इज ग्रेटर देन माइनस टू थाउजेंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर अगर एक सिस्टम पॉइंट टू पर है दूसरा पॉइंट वन तो पॉइंट टू से पॉइंट वन पे चीजें जाएंगी फिर एनसीआरटी ने कॉन्सेप्ट दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑस्मोटिक प्रेशर वो पॉजिटिव एक्सटर्नल प्रेशर है जो आप लगाते हो जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए पॉजिटिव है और एक्सटर्नल प्रेशर है टू स्टॉप ऑस्मोसिस तो उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एनसीआरटी ने कहा कि आप बोलोगे इट इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्यों किसी भी सिस्टम में पानी क्यों आता है क्योंकि उसके पास सॉल्यूट ज्यादा है जिस साइड सॉल्यूट ज्यादा है ऑस्मोसिस उस तरफ हो रही है इधर मुझे ऑस्मोसिस रोकनी है तो सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगेगा मोर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोर ऑस्मोटिक प्रेशर तो एनसीआरटी ने एक रिलेशनशिप दिया एनसीआरटी ने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर इज नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल अब मुझे तो पता है ऐसा तो खुद एक नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया है एनसीआरटी ने एनसीआरटी ने कहा कि तुम्हारे पास है एक बीकर बीकर के अंदर है एक फनल फनल के माउथ को कवर कर दिया एक मेम्ब्रेन से अब अगर सिर्फ प्योर वाटर ही है कुछ नहीं है सिर्फ प्योर वाटर है चारों तरफ बीकर के अंदर भी प्योर वाटर है एक लेवल तक तो तुम कितनी देर भी रख दो अगर दोनों तरफ प्योर वाटर है तो यहां पे कोई ऑस्मोसिस नहीं है पानी का नेट मूवमेंट जीरो है यहां पे, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो hmm. लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दूं बाहर सारा पानी और अंदर मेरा पानी था लेवल ए तक लेवल ए तक पानी था मैंने कुछ शुगर पार्टिकल्स डाल दिए इसमें तो बीकर के अंदर तो प्योर वॉटर है ये तो सारा प्योर वाटर है लेकिन आपके फनल के अंदर शुगर डालने की वजह से क्या हो गया सोल्यूशन तैयार हो गया है तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मैंने अगर मॉलिक्यूल बनाए तो अब मेरे नेट पानी का मूवमेंट मेरे वाटर नेट मूवमेंट अंदर की तरफ करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर बाद क्या होगा वाटर लेवल राइज करेगा पहले ए पे था अब यह बी पे पहुंच चुका होगा क्यों सॉल्यूट डाला पानी अंदर गया एंडो हुई वाटर लेवल राइज कर गया मैं नहीं चाहता कि यह ऑस्मोसिस हो मैं नहीं चाहता कि ऑस्मोसिस हो यहां पे आई डोंट वॉन्ट ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस तो क्या होगा अंदर लेवल ए तक सिर्फ पानी था जब तक सिर्फ पानी है तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा फिर मैंने क्या कहा मैंने अंदर डाल दिए कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ शुगर पार्टिकल्स अब पानी अंदर आने की कोशिश करेगा लेकिन मैं यहां से एक प्रेशर अप्लाई कर दूं मैंने प्रेशर लगा के रखा है ठीक है अ प्रेशर हैज बीन अप्लाइड कितना प्रेशर उतना कि पानी अंदर ना जा पाए पानी अंदर नहीं जा पा रहा तो उस प्रेशर को हम क्या बोल देंगे सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप दी ऑस्मोसिस ऑफ वॉटर ठीक है और ये कैसे डिसाइड होगा कि वो प्रेशर कितना होना चाहिए मान लो अंदर मेरा माइनस फाइव बार है इसका मतलब जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस फाइव एग्जैक्ट प्लस फाइव बार का प्रेशर लगा के रखूंगा तो पानी अंदर नहीं आएगा उससे ज्यादा लगा दूंगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी पानी अंदर से उल्टा बाहर जाने लगेगा जो घर के फिल्टर में लगा होता है तो ये है वो फनल का एक्सपेरिमेंट जो एनसीआरटी ने शो किया हुआ है फिर कॉन्सेप्ट दिया एनसीआरटी ने प्लाज्मोलाइसिस का अब प्लाज्मोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं अगेन मुश्किल नहीं है तीन कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूं मैं ठीक है तीन कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूं पहली कंडीशन ये मेरा सेल है और यह बाहर उसकी सराउंडिंग है आई हैव द सेल आई हैव द सराउंडिंग अब ध्यान दो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ऑरेंज कलर से मैं हर जगह अब तुमको सॉल्यूट बना के दिखाने वाला हूं ऑरेंज कलर से हर जगह सॉल्यूट बनाएंगे तो बाहर मैंने सॉल्यूट बनाया यहां एक दो तीन चार सॉल्यूट बना दिए और यहां दस दस सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन दे दी तो क्या किया है मैंने यहां पे हर जगह सेम कंडीशन है अंदर सेल है बाहर सराउंडिंग अंदर सेल है बाहर सराउंडिंग फ्री स्पेस जो है सारा पानी है पानी मान लो सेम क्वांटिटी में अब पहली कंडीशन सेल के रिस्पेक्ट में सराउंडिंग में सॉल्यूट ज्यादा है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर टॉनिक हाइपर मतलब ज्यादा टॉनिक मतलब सॉल्यूट तो सेल के मुकाबले बाहर सॉल्यूट ज्यादा है तो उसे कहोगे हाइपर टॉनिक सेकेंड कंडीशन सेल के रिस्पेक्ट में बाहर सॉल्यूट कम है तो हाइपोटोनिक सेल के रिस्पेक्ट में बाहर कम सॉल्यूट है फिर थर्ड मैंने लिखा आइसोटोनिक सेल के अंदर सेल के बाहर सेम सॉल्यूट है तो आइसोटोनिक अब अगर बाहर सॉल्यूट ज्यादा है सराउंडिंग में सॉल्यूट ज्यादा है मोर सॉल्यूट हमने कहा सॉल्यूट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा यहां पे जो सराउंडिंग है इट हैज लो सॉल्यूट तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है यहां पे सेल हैज हाई ओपी और यहां पे सेम ओपी होगा सेल में भी सराउंडिंग में तो एनसीआरटी ने कहा है इफ द सराउंडिंग हैज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू द सेल द कंडीशन इज नोन एज हाइपरटोनिक अब पानी की मूवमेंट कहां से कहां होती है लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट तो यहां पे आपके सेल में जो भी पानी होगा वो बाहर जाने लगेगा तो so, हाइपोटॉनिक में क्या होगा एक्सो ऑस्मोसिस और सेल दिखाएगा प्लाज्मोलाइसिस इसका प्रोटोप्लाज्म टूटने लगेगा हाइपोटोनिक में पानी सराउंडिंग से अंदर आएगा तो so, यहां पे जो आपका सेल है उसमें पानी अंदर आ रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस सेल फूलने लग जाएगा टर्जेट होने लग जाएगा और सेल का साइटोप्लाज्म जो दीवारों पे प्रेशर लगाएगा उसे ही टर्गर प्रेशर या फिर प्रेशर पोटेंशियल बोल सकते हैं एंड यहां नेट मूवमेंट इज जीरो इसको आप कहेंगे फ्लैसिड सेल नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो ठीक है प्लाज्मोलाइसिस में एनसीआरटी ने बताया अगर आपके पास एक सेल है नॉर्मल केस में सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सेल वॉल से चिपक के रहता है और अंदर हमें पता है एक बहुत बड़ा वैक्योल है चारों तरफ मैंने सेल के बना दिए एक हाइपरटॉनिक कंडीशन अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद क्या होगा सबसे पहले साइटोप्लाज्म का पानी बाहर आने लग जाएगा और जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लग जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सिकुड़ने लग जाती है साइटोप्लाज्म का तो पानी निकल ही चुका है फिर वैक्यूल से भी पानी आने लग जाएगा और जो भी सराउंडिंग सोल्यूशन है वो इस सराउंडिंग में सारी जगह डिफ्यूज होता रहेगा सेल और मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस में ये सारा सराउंडिंग लिक्विड घुसता जाएगा पानी उसी का पार्ट बनता जाएगा तो जैसे जैसे ये श्रिंक होता जा रहा है इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे प्लाज्मोलाइसिस सेल वॉल बेंड होती है कोलैप्स नहीं होती एक टाइम होगा जब सारा का सारा लिविंग कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एरिया में सिकुड़ के रह जाएगा और वैक्यूल ना के बराबर रह जाएगा इस सेल को निकाल के अगर प्योर वाटर में रख दिया या इस प्लाज्मोसेल प्लाज्मोलाइज सेल को निकाल के हाइपोटोनिक में रख दिया तो ये पानी रीअब्सॉर्ब करके वापस फूल जाएगा तो डी प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस रिवर्स भी की जा सकती है घर में जो तुम किशमिश देखते हो वो सूखी हुई है पानी में डाल दो वापस पानी रीगेन कर लेगा तो वो है उसका डी प्लाज्मोलाइसिस और वैसी एक बड़ी मजेदार प्रोसेस होती है एम्बिबिशन एम्बिबिशन जो है यहां एनसीआरटी ने कहा है एब्सॉर्बशन ऑफ वाटर बाय सॉलिड्स या कोलॉयड्स विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन बिना सॉल्यूशन बनाए यहां पे सॉलिड चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बीज है बीज के ऊपर छोटा सा ओपनिंग होता है माइक्रोपाइल और बीज के अंदर स्टार्च के ग्रेन्स भरे हुए हैं कॉटलडन इज फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स रख दो इसको पानी में छोले खाते हैं राजमा खाते हैं भिगोने पड़ते हैं उनको और जब भिगो के रखते हैं तो क्या होता है पानी अंदर आने लगता है वॉटर मूव इन साइड और कुछ टाइम बाद फिर आपको क्या दिखेगा कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा कि वो जो छोले के दाने हैं राजमे के दाने थे ग्रेन्स थे वो स्वेल होके फूल जाते हैं इनका साइज काफी बड़ा हो जाता है तो ये कैसे हुआ क्योंकि अंदर जितने स्टार्च पार्टिकल्स थे इन सब ने अपने चारों तरफ पानी को एब्जॉर्ब करके रख लिया पानी अंदर आया प्रेशर बढ़ा दिया उसने तो सीड फूल गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो इसी को कहते हैं एम्बे छोटे छोटे बीज फूल जाते हैं एम्बिबिशन से बारिश के मौसम में लकड़ी के दरवाजे खिड़की की लकड़ियां फूल जाती हैं एम्बेबिशन से तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना बाय सॉलिड या कोलाइड, उसको कहते हैं एम्बेबिशन रिवर्सिबल प्रोसेस है धूप में रख दो सारा पानी उड़ेगा वापस बीज से कोड़ जाएंगे सारे के सारे फिर आया हमारा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे हमने क्या कहा हमारे पास जितना भी वाटर है वो सारा वाटर सॉयल में है इस सारे पानी को सबसे पहले आपको पहुंचाना है रूट के जाइलम में द फर्स्ट टास्क इज दिस अब ये कैसे होगा तो हमें क्या पता है हमें पता है देर इज रूट हेयर देर इज अ रूट हेयर विच इज द एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस उसके अलावा बहुत सारे सेल्स रूट में मिलते हैं जैसे कि रूट के कॉर्टेक्स के सेल्स फिर एक बहुत स्पेशल लेयर आती है नोन एज दी एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के पास सुब्रेन नाम की एक वैक्सी लेयर होती है सुब्रेन नाम की वैक्सी लेयर होती है कैस्परी ने डिस्कवर किया था तो ऐसे कैसपेरियन स्ट्रिप कहते हैं फिर आगे एक लेयर आती है पेरिसाइकल नाम की और फिर आगे आ जाते हैं हमारे जाइलम, रूट एपिडर्मिस के बाद हेयर पे सेल बॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पंप्स हैं आयन एब्सॉर्ब करने के लिए अब होता क्या है जब दिन का टाइम होता है तो दिन के टाइम पे सूर्य देवता चमकते हैं सूर्य देवता लीफ से पानी खींच लेते हैं ट्रांसप्रेशन के थ्रू अब वो स्टेम से पानी खींचता है स्टेम रूट से पानी खींचता है तो आपके ज़ाइलम के अंदर ट्रांसप्रेशन ने एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है पत्तियों से पानी जो इवेपोरेट होता है उसे ट्रांसपेरेशन कहते हैं तो ट्रांसपेरेशन से एक सक्शन क्रिएट है दिन के टाइम पे जिससे सारा पानी खिंचता रहता है खिंचता रहता है खिंचता रहता है और वो सारा का सारा खिंचाव वो जो सक्शन है वो रूट के अंदर आता है अब क्या होगा हमें पता है कि आसपास बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं सॉइल में बाहर का सारे एरिया सॉयल है वहां पे बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं और इन्हीं वाटर पार्टिकल्स के साथ बीच बीच में क्या है सारे डिजॉल्व आयंस हैं, बहुत सारे आयंस हैं तो ये रहे मेरे आयंस, ये रहा हमारा वाटर, अब मैंने क्या कहा दिन के टाइम पे लीफ से पानी निकला तो लीफ को पानी की कमी हुई तो उसने वेन्स से सेल्स ने पानी लेना शुरू किया वेन्स में से लीफ के जब पानी निकला तो वो सारा का सारा लीफ की मिड्रिप से खींचा मिड्रिप ने स्टेम से वो पानी खींचा स्टेम को वो पानी रूट से चाहिए तो वो रूट से पानी खींचता है तो रूट के जायला में एक सक्शन लगा हुआ है ट्रांसपेरेशन से पुल लगा हुआ है एक वैक्यूम सा बना हुआ है कहीं पे वैक्यूम होगा तो तुम वैक्यूम की तरफ जाओगे वैसे ही वो जो सक्शन लगा है इस सक्शन की वजह से बहुत सारे वाटर पार्टिकल अंदर आ जाते हैं बहुत सारे वाटर पार्टिकल अंदर आ जाते हैं और ये वाटर पार्टिकल क्या करते हैं फ्री स्पेस से मूव होता हुआ इंटरसेलर स्पेस से होता हुआ यहां तक आया कोई भी वाटर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ इन स्पेसिस से यहां तक आया लेकिन अब इसने देखा यार यहां तो वैक्सी मटीरियल है नहीं जा सकते तो ये बेचारे फिर इस सेल के पास आते हैं जिसके पास कैसपीरियन स्ट्रिप नहीं है और ये कहता है, चलो ठीक है अंदर आ जाओ तो पानी का मूवमेंट सेलबॉल और मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस से इंटरसेलुलर स्पेस से यहां तक बहुत सारे पानी इसी तरीके से आ जाते हैं तो यह कहलाता है एपोप्लास्ट मूवमेंट नॉन लिविंग एरिया से मूवमेंट फास्ट होता है दिक्कत नहीं है अब पानी के साथ बहुत सारे आयंस भी अंदर आते हैं बहुत सारे आयंस अंदर आ रहे हैं पानी के साथ डिजोल्व होके उसी सक्शन से अब कई आयंस भी है कई आयन हैं जो पानी के साथ ही सक्शन के थ्रू यहां तक आ जाते हैं वो भी इस एपोप्लास्ट को फॉलो करते हुए वो सारे आयन यहां तक आ जाते हैं अब एंडोडर्मिस की ये जो लेयर है ये डिसाइड करेगी कि इसे किससे अंदर लाना है किसको ये बाहर छोड़ देना चाहता है तो जो भी मेंबर अंदर आ गया सेल के लिविंग स्पेस में आ गया वो बन जाता है सिम्प्लास्ट अब आगे ये फिर से सिंप्लास्ट प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जाएंगे लेकिन ज़ाइलम सारा नॉन लिविंग है ज़ाइलम सारा सारा का सारा आपका नॉन लिविंग है, तो ये पानी के पार्टिकल्स भी अंदर आ गए और उसी के साथ जिन आयन्स को परमिशन मिली वो भी अंदर आ गए कुछ आयन्स काम के नहीं होते तो उनको परमिशन नहीं मिलती वो बेचारे इसी स्पेस में फंसे रह जाएंगे अब साथ में लगे हैं बहुत सारे पंप्स मेम्ब्रेन में लगे हैं पंप्स अब बहुत सारे आयंस इन पंप्स के थ्रू अंदर आते हैं बहुत सारे आयंस इन पंप्स के थ्रू अंदर आते हैं ठीक है तो आयन अंदर आया पंप के थ्रू अंदर अंदर आया पंप के थ्रू अंदर खिंच के अंदर आया पंप के थ्रू अंदर तो क्या हो रहा है इनका तुम देख सकते हो कि अंदर आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है अंदर साइटोप्लाज्म में आयन इंक्रीजेस आयन क्या है मेरा एक सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है आयन बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा तो बेचारे मजबूर पानी कई सारे पानी है जो मजबूरी में ऑस्मोसिस से अंदर आ रहे हैं कई सारे ये वाटर पार्टिकल ऑस्मोसिस से अंदर आ जाएंगे वाटर अंदर आता है ऑस्मोसिस से आयन एक्टिवली आ रहे हैं पंप से पानी मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन के थ्रू ऑस्मोसिस से आ रहे हैं इसका मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो एपोप्लास छोड़ के बेचारे अंदर आ चुके हैं बहुत सारे पानी अंदर आ चुके हैं अब जो पानी अंदर आ गया तो वो प्लाज्मोडस्मेटा टू प्लाज्मोडेस्मेटा मूव करेगा जो भी पानी अंदर आया ये पानी अंदर आया प्लाज्मोडेस्मेटा टू प्लाज्मोडेस्मेटा मूव करेगा और इसको भी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इस सेल और इस सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा हुआ तो उसके थ्रू ये एंडोडर्मिस के अंदर भेज दिया जाएगा ऐसे बहुत सारे आयंस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होते हुए इनके अंदर आ जाएंगे तो ये जितनी भी मूवमेंट वाटर की सेल टू सेल अंदर से जा रही है वो पानी अब अंदर से जा रहा है तो ये सब कहलाएगा सिम्प्लास्ट ये स्लो है क्योंकि पानी को वैक्योल भी क्रॉस करना पड़ेगा सिम्प्लास्ट मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद मिलती है कॉन्टिन्यूअसली साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है एक नेचुरल बहाव एक नेचुरल स्ट्रीम की तरह तो जैसे ही पानी उसमें आया साइटोप्लाज्म बह रहा है पानी बिल्कुल अपने आप मूव करता करता करता, करता प्लाज्मो डिस्मेटा के पास जाएगा निकल जाएगा प्लाज्मा से बाहर तो पानी कैन मूव थ्रू बोथ वेज जब पानी दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो यहां से जब भी निकलेगा तो हमेशा एपोप्लास्ट ही होगा तो एंडोडर्मिस पे हमेशा सिम्प्लास्ट जाइलम में हमेशा एपोप्लास्ट लेकिन यहां तक आने के लिए कुछ भी कर सकता है सक्शन से बहुत सारे वॉटर और आयंस एंडोडर्मिस तक फ्री स्पेस से आते हैं एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट होना पड़ता है जाइलम में जाकर एपोप्लास्ट बन जाएंगे रूट हेयर की मेम्ब्रेन से बहुत सारे आयंस एक्टिवली अंदर आते हैं पानी पैसिवली अंदर आता है तो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल सिम्प्लास्ट हो गए लिविंग एरिया में आ चुके हैं तो उनको साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, प्लाज्मो सबसे पास होकर धीरे 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 आता है जाइलम में आने के बाद वो भी एपोप्लास्ट ही कहलाएंगे तो ये है वाटर का सिंप्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे एक्टिवली आयंस अंदर आते हैं पानी पैसिवली अंदर आता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट तो यही चीज एनसीआरटी ने शो करी हुई है कि अगर वो चीज प्लाजो टू तो प्लाज्मोडिस्मेटा अंदर अंदर से जा रही है तो सिंप्लास्ट ठीक है अगर वो इन स्पेसेस के थ्रू ट्रैवल कर रही है अब कैस्पेरियन स्ट्रिप है तो उसको बेचारे को यहां पे आके अंदर थोड़ी देर के लिए सिंप्लास्ट होना पड़ा और जाइलम के अंदर सारा नॉन लिविंग एरिया है तो जाइलम में तो सारा का सारा कंडीशन एपोप्लास्ट ही चलेगा तो ये एपोप्लास्ट और तो सिंप्लास्ट मूवमेंट्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस है रूट के जाइलम तक आने के लिए अब ऊपर जाना है ऊपर जाने वाली मूवमेंट को हम बोलेंगे इसका लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट तो पहला है रूट प्रेशर रूट प्रेशर भी एक पॉजिटिव प्रेशर है यह खाली छोटे पौधों में ही पानी को ऊपर तक लेके जाता है टॉल ट्रीज में ट्रांसपेरेशन के सेक्शन से वाटर कॉलम्स टूट जाते हैं तुम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक कस के खींच के छोड़ दो एयर गैप आ जाता है स्ट्रॉ में तो वैसे ही नेचुरली प्लांट में भी एयर गैप्स आ जाते हैं तो रूट प्रेशर टॉल ट्रीज में तो खाली वो एयर गैप्स फिल करता है छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट्स में जमीन से पत्ते तक पानी ले जाता है तो रूट प्रेशर में है क्या मैंने क्या कहा आयंस रात को भी अंदर आते हैं ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस वॉटर एंटर्स सिंप्लास्ट बायोस्मोसिस पानी ऑस्मोसिस से अंदर आता जाता है अब रात के टाइम पे ये सारी चीज कहां होती है बिल्कुल रात को या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह ये दोनों ही कंडीशन क्या है जब ट्रांसपरेशन नहीं है ट्रांसपेरेशन इज क्लोज टू जीरो बहुत मिनिमम ट्रांसपिरेशन है उस टाइम पे ये चीज देखने को मिलती है इसकी वजह से गटेशन होती है क्या हो रहा है रूट से स्टेम स्टेम से लीफ कनेक्टेड है अब आपको पता है लीफ के अंदर जितनी भी वेन्स हैं वो सब कनेक्टेड है मिड्रिप और मिड्रिप से ऐसे वेन्स निकल के आती हैं अब रात के टाइम पे छोटे हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं धनिया हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया टमाटर हो गए उन सब में रात रात को क्या होता है रात को आयंस अंदर आए जा रहे हैं आयंस अंदर आए जाते हैं अब आयंस अंदर आ रहे हैं तो बेचारा पानी भी मजबूर है अंदर आने के लिए पानी भी अंदर आए जाता है रूट्स में। अब पानी का कोई यूज है नहीं रात को ट्रांसपेरेशन तो हो नहीं रहा तो अब होगा क्या ये जो पानी अंदर आता रहेगा तो जो भी एग्जिस्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स थे पहले से इन वाटर मॉलिक्यूल को लगना शुरू होगा धक्का ऊपर की तरफ पानी अंदर आए जा रहा है एंडोस्मोसिस हुआ जा रहा है तो एक सेल का पानी दूसरे के सेल के पानी में घुसता जा रहा है और एक दूसरे को धक्का मारते जा रहे हैं धक्के से ये पानी उठते 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 लीफ में आए रात का टाइम है स्टोमेटा बंद है वाटर का लॉस होना नहीं है फोटोसिंथेसिस होनी नहीं है तो बेचारे ये पानी रात रात को चुपचाप वेन्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं मार्जिन पर और टिप्स पर वेन की ओपनिंग होती है हाइडाथोड नाम की यहां से वाटर और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट बाहर आते हैं तो इसी को कहा जाता है गटेशन पानी धक्के से अंदर आ रहे हैं मतलब रूट प्रेशर क्रिएट हुआ कैसे आयन एब्सॉर्ब हुआ आयन की वजह से पानी अंदर आया पानी का कोई यूज है नहीं तो पानी धक्का मारते जा रहे हैं एक दूसरे को और धक्के से पानी ऊपर चढ़ रहा है इसमें स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स में और यह सारा पानी मार्जिन से या टिप से निकलता है फ्रॉम हाइडाथोड तो लॉस ऑफ वाटर गटेशन में लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विथ डिजॉल्व न्यूट्रिय थ्रू वेन ओपनिंग्स नोन एज हाइडाथोड्स वो हाइडाथोड्स सरफेस पे नहीं है मार्जिन या टिप पर है तो उससे बूंद के फॉर्म में पानी निकलता है इसे कहते हैं गटेशन टॉल ट्रीज में ये सारी चीज कहां मिलती है सिर्फ बिल्कुल छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट्स में श्रब्स और ट्रीज में रात को पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना ऊपर नहीं चढ़ता छोटे हर्बेशियस प्लांट्स में चढ़ता है ये जो सरफेस पे ड्रॉप दिख रही है है सारी ओस की बूंद ड्यू ड्रॉप्स हवा का मॉइस्चर कंडेंस हो गया है और ये जो ड्रॉप्स दिख रही हैं साइड साइड में ये जो ड्रॉप्स हैं जो मार्जिन पे से आ रही हैं जो टिप्स पे से आ रही हैं ये रूट ने अंदर एब्सॉर्ब करके उनको वेन्स के थ्रू मार्जिन से निकाले तो ये गटेशन ड्रॉप्स हैं ये सरफेस पे नहीं मिलती हैं कभी भी दीज आर नोन एज दी गटेशन ड्रॉप तो यह है रूट प्रेशर की थ्योरी इट इज नॉट अमेजर थ्योरी इट इज नॉट अ मेजर थ्योरी एनसीआरटी ने कहा है टोल ट्रीज जो है दस मीटर पंद्रह मीटर ऊंचे पेड़ उसमें बस ये रात रात को पानी को नीचे से एक या दो मीटर तक पानी को लेके जाता है कि दिन में जो भी वाटर कॉलम ब्रेक होते हैं वो रिफिल हो जाएं ट्रांसपेरेशन जब पानी को खींचता है ट्रांसपेरेशन पुल से जब पानी खींचता है तो कई बार जो वाटर के फोर्सेस है वो टूट जाते हैं तो एयर गैप आ जाता है तो रूट प्रेशर टॉल ट्रीज में रात रात को एक्स्ट्रा पानी देकर बस उनके एयर गैप्स को रिफिल कर देता है और शॉर्ट प्लांट्स में दिन के टाइम पे ट्रांसपेरेशन से ही पानी खींच रहा है खाली रात में उनमें पानी ऊपर तक आते क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं ट्रांसपेरेशन पुल मेजर फोर्स है कोहेशन टेंशन ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी कभी गांव वगैरह जाना तो देखना कुआ है कुएं में पानी का एक लेवल होता है वो पानी अपने आप ऊपर नहीं आ सकता तुम बाल्टी डाल के पानी को क्या करते हो खींचते हो यू पुल द बकेट ऑफ वॉटर आउट ऑफ द वेल उस वेल में से पानी को बाल्टी डाल के खींचा जाता है ठीक है अब कभी बरसात हुई बरसात होती है तो बरसात में उस कुएं में पानी जहां से भी आया था वहां का पानी बढ़ेगा तो कुएं में वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ता है थोड़ा सा पानी अपने ऊपर आता है तो रात में अंधेरे में रूट प्रेशर वैसे पानी को ऊपर लेके आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस तक ऐसा नहीं है कि कुएं का सारा पानी उल्टा बाहर आने लग जाए ऐसा नहीं होता है ठीक है कुएं में पानी थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ता है तुम बाल्टी डाल के ही उसे खींचोगे तो वही है ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी ट्रांसपेरेशन है जो पुल क्रिएट करता है ट्रांसपेरेशन क्रिएट द पुल कोहेशन का मतलब है दो पानी के बीच में अट्रैक्शन टेंशन मतलब होता है नेगेटिव प्रेशर ट्रांसपेरेशन के पुल से नेगेटिव प्रेशर बना पानी खिंचता है और एक दूसरे से वो चपक के रहने की कोशिश करते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वॉटर की तरह पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है तो ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी उसी से पानी एपोप्लास्ट में भी खिंचता है और उसी से पानी ऊपर आता है पानी में न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व है तो उसे ही एनसीआरटी कहती है असेंट ऑफ सैप अब सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं स्टोमेटा से पानी वेपर के फॉर्म में निकलता है जब स्टोमेटा से पानी निकला तो मीजोफिल से पानी खींचता है मीजोफिल जाइलम से पानी खींचता है जो भी मिडरेप होगी जो भी वेन जा रही होगी आसपास से इसमें से पानी सेल्स के थ्रू खींच के आता रहता है ये अपना पानी यहां से खींच रहे हैं। तो रात को क्योंकि स्टोमेटा बंद थे मीजोफिल को पानी चाहिए ही नहीं था तो वो पानी नहीं खींचता था तो इसलिए वो पानी बेचारा वेन्स के थ्रू हाइडाथोड से बाहर आ रहा था दिन के टाइम पर स्टोमेटा खोलता है तो पानी बाहर मीजोफिल्स का पानी लूज होता है तो मीजोफिल्स जाइलम से वेन्स में से पानी खींचते रहते हैं सारा का सारा जाइलम कॉन्टिनुअस है तो ये सारा पानी स्टेम से खींचना शुरू होता है स्टेम का पानी रूट में खींचता है एपोप्लास से पानी अंदर आता है और ऊपर आना शुरू हो जाता है तो यह है ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी पानी अडेसिव है अपनी दीवारों से भी चिपक के रहता है तो फिसल के नीचे नहीं आता ऊपर जाता है जब तक लिक्विड में है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड फेज में कोहेशन ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं हाई सरफेस टेंशन कभी देखते हो तुम कोई बाल्टी है पानी की नल लीक करता है तो पानी अपर में बना लेता है एकदम से स्पिल नहीं होता कैसे बाल्टी तो खत्म पानी ऊपर के सरफेस पे आ जाता है ग्लास लेना पानी भरना ऊपर तक फिर ड्रॉपर से पानी गिराना एक एक ड्रॉप करके पानी आएगा पानी पहले अपर मिनसकस बना लेगा एक बूंद ऐसी होगी जिससे फोर्स खत्म होगी और फिर पानी बिखरेगा तो पानी में हाई कैपिलरी एक्शन है, पानी लेना पेपर स्ट्रिप टच कराना पानी अपने आप ऊपर आता है अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे, कैसे? कैपिलरी पानी में कोहेशन है चिपकने की कोशिश करता है तो हाई सरफेस टेंशन है तो एनसीआरटी ने कहा है कोहेशन, अडेशन और सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से पानी को खींचा जा सकता है पानी की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है कहीं कहीं पे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ टूट जाती है तो एयर गैप्स आ जाते हैं अब नीचे के पार्ट में एयर गैप होगा तो रात को रूट प्रेशर उसको फुलफिल कर देगा एनसीआरटी ने कहा है वन मीटर हाइट 130 मीटर अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रांसपेरेशन से पानी खींचा जा सकता है 15 मीटर पर आर की स्पीड से ट्रांसपेरेशन पानी को खींच सकता है तो इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेशन पुल थ्योरी यही ट्रांसपेरेशन पुल से पानी को खींच के लाता है फिर ऊपर भी लेके आ जाता है तो यह है हमारा ट्रांसपेरेशन पुल का मॉडल स्टोमेटा से पानी बाहर गया ट्रांसपेरेशन से किसी मीजोफिल ने पानी लूज किया वो नेबरिंग सेल से पानी खींचता है और अल्टीमेटली वो पानी जाइलम वगैरह से आता है ये सारा जाइलम का पानी स्टेम से और स्टेम का सारा पानी रूट से तो मैक्सिमम पानी पैसिवली एब्सॉर्ब होके अंदर आया एंडोडर्मिस पर बेचारे को सिम्पलास होना पड़ता है जाइलम में एब्लास होकर खिंच के ऊपर आता रहेगा तो इस तरीके से वॉटर इज पुल्ड अप ट्रांसपेरेशन जितना भी है यह भी लॉस ऑफ वाटर है लेकिन यहां पे साथ में न्यूट्रिएंट्स नहीं है यह गैशियस फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में नहीं है यह स्टोमेटा के थ्रू है हाइडाथोड के थ्रू नहीं है यह प्रोसेस डे के टाइम पे होती है गटेशन नाइट या अर्ली मॉर्निंग में जब ट्रांसपेरेशन नहीं होता एनसीआरडी ने क्या बताया जो आपके गार्ड सेल्स हैं गार्ड सेल्स के अंदर की दीवार बहुत मोटी होती है और इन पे जो सेलुलोस के फाइबर्स हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ है सेंटर से बाहर की तरफ जो लाइन जाती है उसको कहते है, तो हैं रेडियस तो रेडियली इलांगेटेड सेलोस फाइबर्स हैं एनाटॉमी में एनसीआरटी ने बताया है कि इनके चारों तरफ होते हैं सब्सिडरी सेल्स और ये सब्सिडरी सेल का पानी ले लेते हैं अब पानी लेंगे तो क्या होगा इनर गार्ड वॉल गार्ड सेल वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक अंदर की वॉल थिक और इलास्टिक है बाहर की वॉल थिन होती है। सेलुलोज के फाइबर बाहर की तरफ स्ट्रेच होने लगते हैं पानी एब्जॉर्ब करके तो ये चांद जैसे शेप बन जाते हैं तो जब आपका गार्ड सेल पानी से भरा हुआ है टर्जेड है तो आपका स्टोमेटा खुला हुआ रहता है और अगर यह पानी लूज कर देता है तो इनर वॉल्स इतनी पास आ जाती हैं कि आपकी स्टोमेटा की ओपनिंग बहुत रिड्यूस हो जाती है हाईली रिड्यूस्ड। गार्ड सेल को उनका पानी वापस कर दिया जाता है तो सारी दीवारें पानी लूज करके वापस नॉर्मल शेप में आ जाती हैं प्लाजोलाइस नहीं हो रहा है इनका जो एक्स्ट्रा पानी लिया था वो एक्स्ट्रा पानी बस बाहर जा रहा है तो गार्ड सेल जब पानी लूज कर रही हैं तो प्लाज्मोलाइस नहीं करती हैं खाली फ्लैसिड हो जाती हैं तब हमारा स्टोमेटा वापस से बंद हो जाता है स्टोमेटा क्लोजेस तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेल इज रेगुलेटेड बाय स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल पानी अंदर वो फूला स्टोमेटा ओपन पानी बाहर वो फ्लैसिड हुआ है प्लाज्मोलाइज नहीं हो रहा बस नॉर्मल पानी बाहर भेज रहा है तो वापस टोमेटा क्लोज एनसीआरटी ने कहा कि ट्रांसपेरेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल में लाइट विंड का स्पीड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये सब कंट्रोल करते हैं इंटरनल फैक्टर में प्लांट के अंदर कितना पानी है ये अफेक्ट करेगा प्लांट की कैनोपी ग्रीन एरिया कितना फैला हुआ है वो अफेक्ट करेगा ट्रांसपेरेशन से पानी का लॉस हो रहा है माना से पानी का लॉस हुआ कोई बात नहीं यही ट्रांसपेरेशन जो पुल बना रहा था जिससे कि पानी और आयन एब्सॉर्ब भी होते हैं और ऊपर तक ट्रांसपोर्ट भी होते हैं पानी के लिए भी यही पानी फोटोसिंथेसिस के लिए यही पानी ला रहा है सारे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी इसी ट्रांसपेरेशन के पानी के साथ होता है हमें पसीना आता है हमें ठंडक महसूस होती है ट्रांसपेरेशन भी इवेपोरेटिव कूलिंग कराता है जब इवेपोरेट हो रहा है तो लीफ से हीट लेके निकलता है तो उससे क्या होगा लीफ ठंडी हो जाएगी यही है जो टर्जिडिटी मेंटेन करता है रात को देखना पत्तियां मुरझास ही जाती हैं दिन में वापस ऊपर हो जाती हैं कैसे ट्रांसपरेशन के पानी से तो ट्रांसपरेशन सिर्फ लॉस ऑफ वाटर ही नहीं है बाकी अच्छे काम भी करा रहा है कैसे डिटेक्ट करोगे ट्रांसपेरेशन हो रही है या नहीं तो दो तरीके हैं डिटेक्ट करने के पहला पॉलिथिन बैग से कवर कर दो थोड़ी देर बाद पानी की बूंदे पॉलिथिन बैग पर अंदर जमने लग जाएंगी फॉर एग्जाम्पल गर्म पानी लो ग्लास में अब ग्लास के मुंह से प्लास्टिक से ढक दो थोड़ी देर में प्लास्टिक के अंदर वाली सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी तो वैसे ही लीफ ट्रांसपरेशन कर रही होगी तो उसका ट्रांसपायर्ड वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में अंदर जम जाएगा या फिर एनसीआरटी ने कहा कोबाल्ट क्लोराइड ट्रीटेड पेपर ले लो जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे ही कोबाल्ट क्लोराइड लगा हुआ पेपर ले लो बाजार में आता है यह पेपर होता है ब्लू कलर का जब ट्रांसपेरेशन से इसको पानी मिलता है तो ये हो जाता है पिंक कलर का तो तुम एक पत्ते पे ये पेपर सेलोटेप से चिपका दो थोड़ी देर बाद उस, उस पेपर को हटाओ ब्लू का ब्लू है मतलब उस पत्ते ने ट्रांसपेरेशन नहीं करी अगर पिंक हो गया मतलब वहां से ट्रांसपेरेशन का पानी निकला है तो डायग्राम एनसीआरटी ने समझाया है कि कैसे पानी खींचता जाता है पानी निकलेगा बाहर सेल टू सेल ये पानी खींचते जाते हैं एक दूसरे से और सारा का सारा पानी अल्टीमेटली कहां से खींच के आएगा ज़ाइलम से खींच के आएगा लीफ का ज़ाइलम स्टेम के ज़ाइलम से पानी खींचेगा स्टेम का ज़ाइलम रूट के जाइलम से पानी खींचेगा और रूट का जाइलम एपोप्लास का सक्शन बना के सॉयल से सारा पानी खींचेगा तो पानी खिंचता चला ही जाता है फिर अपटेक ऑफ मिनरल आयन पानी कैसे आएगा आयंस कैसे आएंगे अंदर तो सिंपल सी चीज है सारा का सारा अपटेक ऑफ मिनरल आयन इट कुड बी बाय एक्टिव मूवमेंट एज वेल एज पैसिव हमने देखा बहुत सारे आयंस एपोप्लास से पैसिवली अंदर आ गए थे लेकिन बहुत सारों को एक्टिवली ही लिया जाता है तो इट कुड बी एक्टिव दिस मूवमेंट कुड बी पैसिव जब इस अपटेक को हम देखते हैं तो वॉल से चीजों को पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आना है फिर साइटोप्लाज्म में आना है मेम्ब्रेन में हमने कहा था पंप्स लगे हुए हैं डेडिकेटेडली प्रॉपर पंप्स हैं अब कोई भी आयन है मेरा तो सॉइल के बाहर तो बहुत सारे आयन्स थे बहुत सारे आयन्स हैं सॉइल के बाहर ट्रांसपेरेशन जो सक्शन क्रिएट किया मैंने कहा बहुत सारे आयन्स वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस बीच की स्पेस में आ जाते हैं अब कई आयंस हैं जो स्पेस से ट्रैवल करते करते एंडोडर्मिस तक चले जाएंगे तो पैसिवली एब्सॉर्ब हो गए लेकिन मैंने कहा मैक्सिमम आयंस कहां से आएंगे ये अपने पंप्स के थ्रू अंदर आएंगे मैक्सिमम आयंस पंप्स के थ्रू अंदर आते हैं तो जब ये वॉल को क्रॉस करते हैं तो इसको एनसीआरटी कहती है प्राइमरी अपटेक फास्ट होता है नॉन लिविंग स्पेस में तो एपोप्लास्ट है बिना एनर्जी के बस खिंच के अंदर आया है, तो पैसिव है और जब सेल वॉल और मेम्ब्रेन की बीच की स्पेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पंप से अंदर आते हैं तो इसको एनसीआरटी ने कहा है सेकेंडरी अपटेक ऑफ आयंस। क्योंकि पंप है पंप एटीपी लेगा तो एक्टिव है साइटोप्लाज्म में आ गया ये तो सिंप्लास्ट है और पंप्स से धीरे धीरे अंदर आएंगे तो स्लो है तो प्राइमरी और सेकेंडरी अपटेक ऑफ आयंस है फिर एनसीआरटी ने कहा ट्रांसलोकेशन कैसे लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तो बाय ट्रांसपेरेशन पुल पानी के साथ ये ट्रैवल करते हैं एनसीआरटी ने एक वर्ड दिया है चीफ सिंक सिंक बोलते हैं उनको जिनको जरूरत है इसकी तो चीफ सिंक में सारी डेवलपिंग टिश्यूज हैं मेरिस्टमेटिक सेल डेवलपिंग यंग लीफ बड फ्लावर फ्रूट इन सब को चाहिए एनसीआरटी ने लिखा है कि ये जो मिनरल्स हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम वेन्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एनसीआरटी ने यहां पर कॉन्सेप्ट दिया है मोबाइल और एम मोबाइल एलिमेंट का मोबाइल और एम मोबाइल एलिमेंट मोबाइल एलिमेंट उनको कहा गया जो ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट पे जाते हैं पत्ता मरने वाला होगा बोलेगा ये सारे जायदाद रख लो मेरी एम मोबाइल एलिमेंट ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट पर नहीं जा सकते ये ओल्ड से यंग पार्ट पे नहीं जा सकते तो उनको बोलते हैं एम एलिमेंट अब मजे की चीज एन ने ट्रांसपोर्ट ने कैल्शियम को इमोबाइल रखा है नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर को मोबाइल में रखा है और एनसीईआरटी ने ही मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सल्फर को इमोबाइल रखा है तो याद रखना मेनली सल्फर इमोबाइल होता है बहुत रेयर है कि वो मोबाइल हो फिर एनसीआरटी ने एक और चीज यहां पर लिखी है कि जब आप जाइलम और फ्लोएम को कंपेयर करते हैं तो जाइलम से वाटर आता है जाइलम से मिनरल आते हैं जाइलम से भी हार्मोन आते हैं और नाइट्रोजेंस इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स में आएंगे फ्लोएम से मेनली फूड आता है फूड के साथ साथ अमीनो एसिड आते हैं यहां से भी हॉर्मोन्स आते हैं और यहां से भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आता है दोनों चीज आती है जायलम से भी फ्लोएम से भी जायलम के अंदर जो भी मूवमेंट होगी वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होती है ऑलवेज रूट टू स्टेम लेकिन फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट है उसको बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं चीजें वहां से ऊपर और नीचे दोनों कर सकती हैं तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट यहां एनसीआरटी ने बहुत कुछ बताया है जब हम बोलते हैं खाना तो खाने का सिंथेसिस वाला फॉर्म अलग है ग्लूकोज होता है जहां ये बना फिर खाने का स्टोर्ड फॉर्म अलग है वो है स्टार्च और खाने का ट्रांसपोर्ट वाला फॉर्म इज सुक्रोज सुक्रोज इज डायसैक्राइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तुम्हें तो इसको याद रखो कि एक नॉन रिएक्टिव शुगर है ग्लूकोज मोनोसाइक्राइड है और रिएक्टिव है इसलिए उसको नहीं भेजते स्टार्च बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है बहुत बड़ा है इसलिए उसको नहीं भेजते तो बेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर्म है सुक्रोज फिर एनसीआरटी ने कहा कि खाना जहां से निकलता है उसको सोर्स बोल दो खाना जहां पे जाता है उससे सिंक बोल दो अब सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप खुद वैरी करता है नॉर्मली खाना लीफ पे बनता है और रूट की तरफ जाता है लेकिन एनसीआरटी ने कहा कि यह चीज तुम्हें दिखती है लेट स्प्रिंग में जब पत्ते बन चुके हैं समर्स में और पतझड़ की शुरुआत तक तब लीफ से रूट में खाना जाता है मौसम बदलेगा जब मौसम बदलने लग जाते हैं तो फिर रूट सोर्स का काम करने लगते हैं और जो आपके यंग बर्ड्स जैसे पार्ट होंगे वो सिंक बन जाएंगे कब पूरे लेट ऑटम पूरे लेट ऑटम में पत्ते है ही नहीं बट आप पढ़ोगे ब्रांचेस के अंदर जो लिविंग सेल्स हैं सेकेंडरी कॉटेक्स फ्लोएम वैस्कुलर कैम्बियम, ये सब तो लिविंग है इनको चाहिए खाना पत्ते हैं नहीं तो रूट का स्टोर्ड खाना ऊपर की तरफ जाने लगता है तो खाना ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर दोनों जा सकता है पूरी सर्दियां यही चलेगा और अर्ली स्प्रिंग में भी यही होगा अर्ली स्प्रिंग में बर्ड्स बनने शुरू हुए उनको खाना चाहिए यंग लीफ है उसको खाना चाहिए यंग लीफ नॉन फोटोसिंथेटिक होती है लेकिन वही पत्तियां लेट स्प्रिंग में आते आते फोटोसिंथेटिक होंगी तो लीफ वापस सोर्स बन जाएगा तो सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप वेरी करता है फूड का ट्रांसपोर्ट अगेन बल्क ट्रांसपोर्ट है लार्ज क्वांटिटी में चीजें जा रही हैं यहां पे जो थ्योरी है उसे मास फ्लो कहा गया मास फ्लो को अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है आई हैव जाइलम जाइलम के पास आई हैव सीव सीव ट्यूब उसके कंपेनियन सेल जुड़े हैं फिर आगे बहुत सारे सेल्स जुड़े हैं मीजोल वगैरह के लीफ को स्टैंडर्ड कंडीशन में हम सोर्स मान के चल रहे हैं रूट के पास भी अपने कंपेनियन सेल्स हैं और फिर रूट के पास अपने कॉटेक्स वगैरह के सेल्स हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन रूट को सिंक और लीफ को सोर्स फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बना ग्लूकोज से सुक्रोज बना अब ये सारा कंपेनियन तक तो पैसिवली आ जाता है जितना भी खाने कंपेनियन तक पैसिव आता है लेकिन सीव ट्यूब में ये खाना जबरदस्ती लोड किया जाता है जबरदस्ती बेचारे को खाना देते रहते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्टिव लोडिंग ऑफ फ्लोएम एक्टिव मतलब एनर्जी कंपेनियन से सीफ ट्यूब में एक्टिव गया है बाकी सारा पैसे आया था अंदर भर भर के सुक्रोज हो चुका है सुक्रोज एक सॉल्यूट की तरह है जितना ज्यादा सॉल्यूट तो सीफ ट्यूब में वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है ज़ाइलम का पानी अंदर आ जाएगा ऑस्मोसिस से अब इतने से सीफ ट्यूब के अंदर भर भर के खाना है भर भर के पानी है तो इसका टर्गर प्रेशर इसका प्रेशर पोटेंशियल बहुत हाई हो चुका है यह सारा खाना और पानी पैसिवली मूव करेंगे सोर्स से सिंक पे तो बहुत सारा पानी भी आ गया और बहुत सारा खाना भी आ गया वापस से इसका कंपेनियन सेल भी क्या कर रहा है एक्टिवली खाली सुक्रोज को निकाल रहा है तो इसको कहा जाता है एक्टिव अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम लोडिंग मतलब कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में खाने को डालना एक्टिव क्यों एनर्जी के साथ होता है सिंक पे खाने को एक्टिवली रिमूव किया गया है तो वो अनलोडिंग पानी नहीं निकालते तो बेचारा पानी अपने आप ऑस्मोसिस करके वापस जायलम में चला जाता है तो यहां पे जब खाना पानी निकल गया तो यहां फिर से लो प्रेशर हो गया तो इस तरीके से हाई से लो प्रेशर पे खाना मूव करता रहता है जितना सुक्रोज है वो फिर से पैसिवली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसी सुक्रोज को ग्लूकोज बना देंगे तो रेस्पिरेशन में काम आ जाएगा सेल्यूलोज बना देंगे तो वॉल मरम्मत में काम आ जाएगा स्टार्च बना देंगे तो स्टोर हो जाएगा तो दिस इज नोन एज बल्क फ्लो हाइपोथी दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस है ट्रांसपेरेशन पुल लगा हुआ है पानी ऊपर जाता जाएगा तो so, ग्लूकोज से सुक्रोज बना सुक्रोज पैसिवली आया कंपेनियन से सीफ ट्यूब में एक्टिव गया सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल कम हुआ पानी ऑस्मोसिस से अंदर आया खाना पानी से प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा वो लो प्रेशर पे गया सिर्फ सुक्रोज एक्टिवली बाहर निकाला जा रहा है तो एक्टिव अनलोडिंग बोला सुक्रोज की वजह से जो पानी आया था वो सिर्फ उल्टा लौटता है और ट्रांसपेरेशन से ऊपर चला जाएगा खाना पैसिवली पास हो जाएगा किसी भी फॉर्म में चेंज कर लो और लास्ट चीज जो एनसीआरटी ने यहां पे समझाई है वो ये जिसको कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इट प्रूव्ड दैट फूड मूवस इन वन डायरेक्शन फ्रॉम लीफ टू रूथस बायोएम अब एनसीआरटी खुद कहती है कि खाना तो बाय डायरेक्शनल है यहां पे वन डायरेक्शन ओनली नहीं लिखा है बस ये लिखा है कि गर्डलिंग से पता चला था कि खाना ऊपर से नीचे आता है एक डायरेक्शन में बाद के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि खाना नीचे से ऊपर भी जाता है और गर्डलिंग में क्या किया था बस इन्होंने इस तरीके से एक पेड़ है गोलाई में पेड़ की बार का काट के हटा दी बार्क को रिमूव कर दिया गर्डल मतलब गोलाई तो बार्क को हटा दिया बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम भी होता है बार्क में फ्लोएम भी आता है तो फ्लोएम भी हट गया इसका कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या देखा द पोर्शन अबव द गर्डल बिकेम सोलन क्यों सारा का सारा खाना आके यहां पे अटकता गया तुम अगर ये सोच लो कि खाना बीच में से क्यों नहीं आया तो बीच में सारा जाइलम होता है बीच में फ्लोएम नहीं है जाइलम है तुमने जितने एरिया से बार खटाई जितने एरिया से बार खटाई उतने एरिया से फ्लोएम गायब कर दिया तो खाना ऊपर अटक के स्वेलिंग क्रिएट कर लेता है तो एनसीआरटी ने कहा कि इससे पता चला कि फ्लोएम से खाना ऊपर से नीचे आता है तो ये है बल्क फ्लो हाइपोथेसिस खाना आता है पानी अंदर आके वापस लौट जाता है और ये वो पार्ट है जहां से रिंग बार खटा दी तो इतने में से अगर तुमने बार खटा दी है तो कुछ टाइम बाद यहां पे खाना टक के स्वेलिंग क्रिएट कर देगा तो दिस इज कंप्लीट चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक बार अगर चाहो तो जो भी टीचर के तुम्हारे नोट्स हैं और नोट से वन टू वन करके इसको वापस देख सकते हो टिल देन थैंक यू सो मच नमस्ते मिलेंगे अगले लेक्चर में टेक केयर सी यू बाय बाय